रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों के लिए लाइन बनाई गई है, जिसमें सांसद ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन पर बनाई गई है मालगाड़ियों के लिए लाइन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। कानपुर के न्यू भाऊपुर से गुजरी मालगाड़ी फिरोजाबाद की न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन होकर गुजरेगी। इससे पहले भी DFC का स्वयं रेल राज्य मंत्री सुरेश अगाड़ी द्वारा टूंडला पर शुभारंभ किया गया था। रेल पटरियों पर मालगाड़ी का दबाव अधिक होने के कारण पैसेंजर ट्रेन को समय से चलाने में रेलवे को असुविधा हो रही थी। इसी को देखते हुए रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के तहत मालगाड़ियों को गुजारने की योजना शुरू की। न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन से मालगाड़ियों को निकलने लगा। पहले चरण में कानपुर देहात के न्यू भाऊपुर से बुलंदशहर के खुर्जा के बीच देश के पहले DFC रेलवे ट्रैक के प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन हुआ। सांसद डॉ. चंद्र सेन जादौन ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। हालांकि मालगाड़ी टूंडला पर रुकी नहीं, वह नॉनस्टॉप गंतव्य के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर भाजपा नेता भी मौजूद रहे। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार 24। स्टेशन आए हुए हैं, क्या प्रभाव बताएगा? वैसे कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश आर्थिक संकट में था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि किस तरह संकट जुए हैं, किस तरह से पार पाएंगे। तो उन्होंने देखा कि माल गाड़ियों से अगर माल को अधिक ढोया जाए तो कुछ लाभ मिल सकता है। उसके तहत उन्होंने जो है मालगाड़ियों के द्वारा माल धोने के लिए मालगाड़ियों का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। ये खुजा से हुआ है और भावी कानपुर तक ये गाड़ियाँ जाएंगी। इन गाड़ियों में इंजन जो है पेट्रोल के भी हैं, इंजन इलेक्ट्रिक के भी हैं और कोयला इंजन भी हैं। और साथ में डिब्बे हैं, वह किलोमीटर लंबे इस गाड़ी में जुटे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह सक्रिय हैं और देश के लिए कुछ करने के जुगाड़ में रहते हैं कि ये देश महान बने और तरक्की करें, ताकि जनता भी तरक्की करें और देश का नाम हो और हम सभी का नाम हो, हम सब गौरवशाली बने, देश भी गौरवशाली बने।